आज राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार नामांकन करेंगी। सुबह 11 बजे मीरा कुमार संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने से पहले मीरा कुमार राजघाट जाएंगी। मीरा कुमार को कांग्रेस के नेतृत्व में 17 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने सभी 17 विपक्षी दलों के नेताओं को मीरा कुमार के नामांकन के दौरान उपस्थित रहने के लिए न्योता दिया है। कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार के नामांकन के वक्त पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी की ममता बनर्जी, आरजेडी के लालू यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मीरा कुमार के नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ रहने की अपील की है। तो आज मीरा कुमार अपना नॉमिनेशन करेंगी और यहाँ पर सोनिया गांधी उस वक्त मौजूद रहेंगी, साथ ही मनमोहन सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बाकी जो घटक दल हैं उनसे भी कहा गया है कि वो उस वक्त मौजूद रहें जब मीरा कुमार अपना नॉमिनेशन करेंगी। ये आपको बताएं कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा, रामनाथ कोविंद की बात करें तो मीरा कुमार के साथ इनकी फाइट है। एनडीए के पास जो समर्थन की बात की जा रही है वो 48.10% है, टीआरएस के पास 1.99% है, एआईएडीएमके के पास 5.39% है, वाईएसआरसी 1.53%, जेडीयू के पास 1.89%, बीजेडी 2.99% और कुल मिलाकर 61.89% है। कांग्रेस के पास 15%, टीएमसी के पास 6%।